नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 7 जनवरी, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 9 जनवरी को बिहार में यहां लग रहा रोजगार मेला। शिक्षक भर्ती के लिए आपत्ति दर्ज कराने वाले अभ्यर्थियों के लिए आदेश। बिहार में इस दिन से पड़ेगी कड़ाके की ठंड। आदित्य LA के सूर्य नमस्कार करते ही इसरो ने रचा इतिहास। जानिए भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 सीरीज का पूरा कार्यक्रम। अब चले बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूपी पुलिस में 921 पदों पर निकली भर्ती। यूपी पुलिस SI भर्ती के 921 पदों के लिए बहाली निकाली गई है। ऐसे में वो लोग जो इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, वह UPPRPB की आधिकारिक वेबसाइट UPPDPB.gov.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इसके लिए आवेदन करने की शुरुआत आज यानी कि 7 जनवरी 2024 से हो रही है। वहीं इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 28 जनवरी 2024 तक निर्धारित की गई है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो SI पद के आवेदक को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएट होना चाहिए। आवेदक को 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उम्मीदवार को ओ लेवल पास होना जरूरी है। ASI लेखा पदों के आवेदकों को कॉमर्स में ग्रेजुएट होना चाहिए। हिंदी टाइपिंग 15 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। इसके अतिरिक्त ओ लेवल पास होना जरूरी है। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार एक बार जारी किए गए नोटिफिकेशन को जरूर देख लें। 9 जनवरी को बिहार में यहां लग रहा रोजगार मेला। अगर आप रोजगार की तलाश में हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि 9 जनवरी को बेगूसराय के नियोजनालय द्वारा सरकारी ITI कैंपस में संयुक्त श्रम भवन में जॉब कैंप का आयोजन किया जाने वाला है। बता दें कि इस बात की जानकारी जिला नियोजन पदाधिकारी नाना अमितेश के द्वारा दी गई है। इनके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस रोजगार मेला का आयोजन सुबह 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा। इस जॉब कैंप में शामिल होने के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इच्छुक उम्मीदवार के पास ITI एवं इलेक्ट्रिकल अनुभव 2 वर्ष का होना चाहिए। वहीं इसमें 18 से 27 वर्ष के अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। हालांकि इस जॉब कैंप में भाग लेने वाले अभ्यर्थी का NCS पोर्टल पर निबंधित होना अनिवार्य है। इस जॉब कैंप के माध्यम से 200 पदों पर बहाली की जाएगी। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य के बारे में। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भारत के बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभयारण्य को वन्यजीव अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत सुल्तानगंज से कहलगांव तक गंगा नदी के 60 किलोमीटर के विस्तार में गंगे डॉल्फिन की सुरक्षा और संरक्षण के लिए अधिसूचित किया गया है। गंगा नदी की बदलती भू आकृति के कारण सीमा और विस्तार बदलता रहता है। अभयारण्य का नाम विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध पुरातात्विक अवशेषों के नाम पर रखा गया है, जो कभी पाल वंश के दौरान नालंदा के साथ साथ दुनिया भर में बौद्ध शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था। यहां का प्रमुख आकर्षण है गंगा नदी की डॉल्फिन, जिन्हें 2006 की IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 और कन्वेंशन के परिशिष्ट 2 में शामिल है। गंगा की डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य अन्य जलीय वन्य जीवों की समृद्ध विविधता के लिए एक सुरक्षित निवास स्थान प्रदान करता है। बिहार के शाही लीची से तैयार होगा ड्राई फ्रूट। बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विकास दास के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अब मुजफ्फरपुर की शाही लीची से लिचमिस और ड्राई फ्रूट बनाया जाएगा। इसके लिए 2 तकनीक के पेटेंट के लिए केंद्र सरकार को नवंबर और दिसंबर में आवेदन दे दिया गया है। बता दें कि उनके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस तकनीक से 3 किलो लीची से 1 किलो ड्राई फ्रूट और 4 किलो लिचमिस तैयार कर लिया जाएगा, जिसे 1 वर्ष तक आसानी से रखा भी जा सकता है। मालूम हो कि यह कार्य राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के पूर्व वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर SK के द्वारा किया जाएगा, जो कि पूर्व मोतिहारी के महात्मा गांधी समेकित कृषि अनुसंधान संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक है। मालूम हो कि ऐसा करने से किसानों की आमदनी में भी वृद्धि होगी। अग्निवीर अभ्यर्थियों को अब इन पदों के लिए देना होगा टाइपिंग टेस्ट। अगर आप भी अग्निवीर बहाली में भाग लेने की इच्छा रखते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि अब अग्निवीर बहाली के नियम में बदलाव कर दिया गया है, जो कि अग्निवीर बहाली सत्र 2024-25 से लागू होगा। दरअसल अब युवाओं को क्लर्क और स्टेनोग्राफर श्रेणी के पद पर नौकरी पाने के लिए टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा। बता दें कि इस नियम को लेकर सेना के अधिकारियों के द्वारा अधिसूचना भी जारी कर दी गई है और साथ ही देश के सभी सेना भर्ती बोर्ड को पत्र लिखकर इस नियम को लागू
करने का निर्देश दे दिया गया है। हालांकि टाइपिंग का मानक क्या होगा इसको लेकर अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इसकी जानकारी अभ्यर्थियों को बहाली अधिसूचना जारी होने के बाद दे दी जाएगी। हालांकि मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार अंग्रेजी भाषा के लिए 35 शब्द प्रति मिनट और हिंदी भाषा के लिए 30 मिनट प्रति शब्द टाइपिंग स्पीड हो सकती है। आदित्य L1 के सूर्य नमस्कार करते ही इसरो ने रचा इतिहास। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1, जिसे सितंबर 2023 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, वह बीते दिन यानी कि 6 जनवरी को अपनी आखिरी और बेहद जटिल प्रक्रिया से गुजरते हुए पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य पृथ्वी सिस्टम के लैग्रेंज पॉइंट के आसपास एक हेलो कक्षा में दाखिल हो गया है। और इसी के साथ इसरो ने इतिहास रच दिया है, जिसके बाद इसरो की इस उपलब्धि पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक्सपर्ट, जो कि पूर्व में ट्विटर हुआ करता था, उस पर ट्वीट कर लिखा है कि भारत ने एक और उपलब्धि हासिल की। भारत की पहली सौर वेधशाला आदित्य L1 अपने गंतव्य पर पहुंच गई है। यह सबसे जटिल और पेचीदा अंतरिक्ष अभियानों को साकार करने में हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। मैं इस असाधारण उपलब्धि की सराहना करने में राष्ट्र के साथ शामिल हूं। हम मानवता के लाभ के लिए विज्ञान की नई सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मिशन का उद्देश्य सौर वातावरण में गतिशीलता, सूर्य के परिमंडल की गर्मी, सूर्य की सतह पर सौर भूकंप, सूर्य के धड़कने से जुड़ी गतिविधि और उनकी विशेषताओं और अंतरिक्ष में मौसम संबंधी समस्याओं को बेहतर ढंग से समझना है। बिहार STET के लिए आवेदन करने के लिए आज आखिरी दिन। अगर आप भी उन अभ्यर्थियों में से हैं जो बिहार STET 2024 के परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन अब तक आपने इसके लिए आवेदन नहीं किया है, तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि BSEB के द्वारा बिहार स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि STET 2024 के लिए आवेदन करने की आज अंतिम तारीख है। इसमें इसके लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार आज यानी कि 7 जनवरी 2024 तक आधिकारिक वेबसाइट BSEBSTET2024.com पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने के लिए सामान्य OBC और EWS को पेपर 1 के लिए आवेदन शुल्क ₹960 देने होंगे, तो वहीं पेपर 2 के लिए ₹1,140 देने होंगे और दोनों परीक्षाओं के लिए ₹1,440 देने होंगे। वहीं इसके अलावा SC ST या विकलांग व्यक्ति के कैटेगरी को पेपर 1 और पेपर 2 के लिए ₹760 और दोनों के लिए ₹1,140 देने होंगे। 11 जनवरी को EV एक्सपो में लगेगी इलेक्ट्रिक वाहनों की प्रदर्शनी। 11 जनवरी 2024 को बिहार की राजधानी पटना में परिवहन विभाग के द्वारा WRI इंडिया के सहयोग से होटल मौर्या में EV कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाने वाला है, जिसमें देश की जानी मानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंपनियों के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों का एक्सपो लगाया जाएगा और इस कार्यक्रम का उद्घाटन परिवहन मंत्री शीला कुमारी के द्वारा किया जाएगा। वह इस दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों की प्रदर्शनी के अलावा अलग अलग सेशन में इलेक्ट्रिक वाहन टेक्नोलॉजी और EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी चर्चा की जाएगी। इस बारे में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि तकनीकी नवचारों को प्रदर्शित करने के अलावा ईवी एक्सपो में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रहेगा। यह एक्सपो इलेक्ट्रिक वाहन सेक्टर को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण कदम है। मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत उत्कृष्ट खिलाड़ियों को CM नीतीश ने दिया नियुक्ति पत्र। बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा एक अन्य मार्ग स्थित नेक संवाद में मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत 71 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र दिया गया, जिसमें कई खिलाड़ी सब इंस्पेक्टर बनेंगे तो कई खिलाड़ी BDO, CO, सूचना जनसंपर्क अधिकारी और लिपिक। बता दें कि इस दौरान CM नीतीश के द्वारा कहा गया कि अभी तक खेल से संबंधित सभी कार्य कला संस्कृति एवं युवा विभाग के अधीन किए जाते थे, लेकिन अब खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य में अलग से खेल से संबंधित विभाग का गठन किया जाएगा। इस खेल विभाग द्वारा खेलकूद से संबंधित कार्यों को किया जाएगा। अच्छे खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी, जिससे युवा खिलाड़ी अपना पूरा ध्यान खेल पर दे सकेंगे और छात्रवृत्ति की राशि से खेल का सामान भी खरीद सकेंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस सहित अन्य विभागों में खेल कोटा के अनेक पद खाली हैं। इन पदों पर प्राथमिकता के आधार पर खिलाड़ियों की नियुक्ति की जाएगी। रणजी ट्रॉफी मैच के दूसरे दिन बिहार की पहली पारी लड़खड़ाई। बिहार की राजधानी पटना में स्थित मोइनुल हक स्टेडियम में बिहार और मुंबई के बीच खेले जा रहे रणजी मैच के दूसरे दिन बिहार की टीम के द्वारा मुंबई के 251 रनों के जवाब में अपनी पहली पारी में 6 विकेट खोकर 89 रन ही बनाया जा सका। ऐसे में बिहार को अभी पहली पारी में 162 रनों की जरूरत है, ताकि वह मुंबई के सामने खड़ा हो सके। बिहार की ओर से आकाश राज के द्वारा 83 गेंदों में 26 रन बनाया गया, सकीबुल गनी 22 रन, सचिन कुमार सिंह के द्वारा 5 रन ही बनाए जा सके। ऐसे में अब क्रीज पर कप्तान आशुतोष अमन और आकाश राज है, जिनके द्वारा आज मैच के तीसरे दिन की शुरुआत की जाएगी।
वहीं अगर पहले दिन के खेल की बात करें तो बिहार के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन दिखाया और मुंबई की टीम पहले दिन का खेल खत्म होने तक 9 विकेट खोकर मात्र 235 रन ही बना पाई थी। बिहार की ओर से वीर प्रताप सिंह ने सर्वाधिक 4 विकेट लिए, वहीं सकिबुल गनी और हिमांशु सिंह ने 2-2 तथा आशुतोष अमन ने 1 विकेट छटकाए थे। वहीं बीते दिन मैच की शुरुआत 12 बजे हुई थी तो वहीं धुंध के कारण मैच को शाम 4 बजे ही रोकना पड़ा। शिक्षक भर्ती के लिए आपत्ति दर्ज कराने वाले अभ्यर्थियों के लिए आदेश। बिहार में शिक्षक भर्ती के लिए बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 2 चरण की परीक्षा ली जा चुकी है, वहीं अब तीसरे चरण की परीक्षा की तैयारी चल रही है। वहीं अब बीपीएससी की ओर से दूसरे चरण के लिए आपत्ति दर्ज कराने वाले अभ्यर्थियों के लिए आयोग की वेबसाइट https://www.bpsc.bih.nic.in/ पर नोटिस जारी किया गया है। बता दें कि परीक्षा के परिणाम को लेकर शिकायत दर्ज कराने के लिए बीते 28 दिसंबर 2023 को एक सूचना जारी की गई थी। उसी को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा एक अन्य सूचना जारी की गई है, जिसके तहत अगर कोई ऐसे भी अभ्यर्थी है जिनके द्वारा आयोग के पोर्टल पर शिकायत या आपत्ति दर्ज कराई गई है लेकिन उन्हें लग रहा है कि उनकी शिकायत या आपत्ति गलत है तो वो अपनी शिकायत या आपत्ति को वापस ले सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी को आयोग के पोर्टल पर जाना होगा और अपने यूजर नेम और पासवर्ड के माध्यम से लॉग इन कर 13 जनवरी 2024 तक अपनी दर्ज की गई आपत्ति को वापस ले सकते हैं। 285 एफिलेटेड डिग्री कॉलेजों की कुंडली खंगालेगी शिक्षा विभाग। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की टीम के द्वारा राज्य के 285 संबंध डिग्री कॉलेजों की शैक्षणिक आधारभूत और शिक्षक कर्मियों के वेतन भुगतान आदि की जांच करते हुए पूरी कुंडली खंगाली जाएगी। बता दें कि इसमें विशेष बात यह है कि इस जांच में संबंधित विश्वविद्यालय के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। इस संबंध में शिक्षा विभाग के द्वारा सभी संबंधित कुल सचिवों को निर्देश दे दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिक्षा विभाग के द्वारा कॉलेज प्रबंधन को अपने कॉलेज की वेबसाइट पर किस शिक्षक या शिक्षकतर कर्मचारी को वेतन व अन्य मद कितनी राशि दी गई है वह अपलोड करने को कहा गया है और साथ ही सभी स्टाफ के बैंक खाते में भेजी गई राशि के रिकॉर्ड भी अपलोड करने को कहे गए हैं। ऐसे में इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाने पर संबंधित कॉलेज प्रबंधकों पर कार्रवाई की जाएगी। वैशाली पहुंचे आईजी शिवदीप लांडे, कही ये बात। बीते दिन बिहार के दबंग अफसर के रूप में जाने जाने वाले तिरहुत रेंज के आईजी शिवदीप लांडे हाजीपुर पहुंचे, जहां उनका स्वागत विभाग की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर देकर किया गया। बता दें कि इस दौरान शिवदीप लांडे के द्वारा वैशाली एसपी समेत सभी एसडीपीओ के साथ बैठक की गई और वहां के क्राइम व क्रिमिनल के बारे में जानकारी ली। इसी क्रम में शिवदीप लांडे वैशाली एसपी रवि रंजन के कार्यालय भी पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यालय का निरीक्षण कर जिले में क्राइम व अपराधियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के बारे में एसपी से जानकारी ली और वैशाली पुलिस की कार्यशैली की उन्होंने खूब तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि वैशाली पुलिस के द्वारा बीते एक साल में काफी बेहतर काम किए गए हैं। अपराधियों के पीछे शिकारी कुत्ते की तरह हैं और दूसरे राज्य से छिपे हुए अपराधियों को भी लेकर आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिवदीप लांडे के कार्य क्षेत्र में मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी व शिवहर है। CISF हेड कांस्टेबल के लिए एडमिट कार्ड जारी। अगर आप भी उन अभ्यर्थियों में से हैं जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के हेड कांस्टेबल परीक्षा में भाग लेने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के द्वारा हेड कांस्टेबल MN 2022 के पद पर भर्ती के लिए स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। ऐसे में इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी CISF की आधिकारिक वेबसाइट https://cisfrect.cisf.gov.in/ पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि इस परीक्षा की शुरुआत 10 जनवरी 2024 से होने वाली है जो कि 12 जनवरी 2024 तक चलेगी। बता दें कि इसको लेकर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के द्वारा आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बिहार में इस दिन से पड़ेगी कड़ाके की ठंड। बिहार में मौसम ने पूरी तरह करवट ले लिया है, ठंड के तेवर सख्त हुए हैं। राजधानी पटना समेत प्रदेश के मौसम में 2 दिनों से बदलाव की स्थिति देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार 2 दिनों बाद शहरों के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी आएगी। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक बिहार के 23 जिलों में 7 जनवरी तक घने कोहरे के चलते येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 6 दिनों तक अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। अगले कुछ दिनों में तापमान न्यूनतम 8 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। सुबह के शुरुआती घंटों में हल्के कोहरे की संभावना है। IMD बिहार के द्वारा जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार आज यानी कि 7 जनवरी को राज्य के उत्तर, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों के 1 या 2 स्थानों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है और साथ ही येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं राज्य के शेष भाग में सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाए रहने की संभावना जताई गई है और ग्रीन अलर्ट जारी किया गया है। लैंडफोर्ड जॉब केस की सुनवाई इस दिन तक टली, CBI ने मांगा समय।
बीते दिन जमीन के बदले नौकरी मामले को लेकर दिल्ली की सीबीआई स्पेशल राउज एवेन्यू कोर्ट के द्वारा इस सुनवाई को 15 जनवरी 2024 तक टाल दिया गया है। दरअसल केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा इस मामले को लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समेत अन्य आरोपियों की अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय की मांग की गई है। सीबीआई ने कोर्ट से कहा है कि इस केस की जांच कर रहे अधिकारी का तबादला हो गया है, इसलिए उन्हें कुछ समय चाहिए, जिसको देखते हुए कोर्ट के द्वारा अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी को की जाएगी और साथ ही इस दिन दोनों जांच अधिकारियों को अदालत के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है। वही सीबीआई के विशेष जज विवेक गोगने के द्वारा कहा गया है कि सुनवाई की तारीख अब और नहीं टाली जाएगी। मालूम हो कि लालू यादव समेत अन्य आरोपियों के द्वारा इस मामले में सीबीआई की चार्जशीट समेत अन्य कागजात मुहैया कराने की मांग की गई थी। 2025 में बिहार के होने वाले सीएम को लेकर सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। बीते दिन बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हरी सहनी गोपालगंज पहुंचे, जहां सम्राट चौधरी के द्वारा एक जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार सरकार पर हमला बोला और साथ ही 2025 में बिहार का मुख्यमंत्री किस पार्टी से होगा उसको लेकर अपनी टिप्पणी भी दी है। उन्होंने कहा कि लालू नीतीश और कांग्रेस ने बिहार को लूट लिया है। 2025 में जब बीजेपी की सरकार बनेगी तब बिहार में तेजी से विकास होगा। उन्होंने कहा कि एनडीए एकजुट होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार की 40 की 40 सीटों पर जीत हासिल करेगा। यहाँ की जनता जानती है कि पिछले 34 साल में नीतीश और लालू राज में बिहार को लूटने का काम किया गया है, राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि 2025 में बिहार का मुख्यमंत्री कोई बीजेपी का कार्यकर्ता ही होगा। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी की जीत होगी और नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ललन सिंह ने इन मीडिया संस्थानों को सबूत पेश करने की दी चुनौती। कुछ दिनों पहले जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को लेकर कई मीडिया चैनलों के द्वारा ऐसी खबरें फैलाई जा रही थी जिनसे उनकी छवि धूमिल हो रही थी। ऐसे में इसको लेकर ललन सिंह के द्वारा कहा गया था कि वो ऐसे मीडिया चैनलों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वहीं अब उन्होंने अपना भड़ास एक्सपर्ट पोस्ट कर निकाला है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि मेरे अनुरोध पर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने मुझे अध्यक्ष पद छोड़ने की अनुमति दी और स्वयं अध्यक्ष बनना स्वीकार किया ताकि मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में ज्यादा समय दे सकूं। मुख्यमंत्री जी का यह निर्णय मेरे लिए हर्ष की बात है, लेकिन कुछ टीवी चैनल और एक समाचार पत्र ने तथ्यहीन और मनगढ़ंत कहानी बनाकर मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है। पार्टी में विवाद पैदा करने की मंशा से खबर प्रसारित की गई। जिस पार्टी को मैंने स्थापना काल से सींचा और बढ़ाया उसका खलनायक मुझे बनाने का प्रयास मीडिया ने किया। मेरे छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से मनगढ़ंत और तथ्यहीन मेरे छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से मनगढ़ंत और तथ्यहीन खबरों को दिखाने के लिए हिंदी न्यूज चैनल आज तक, रिपब्लिक भारत और दैनिक जागरण समाचार पत्र को कानूनी नोटिस भेजा गया है। यदि न्यूज चैनल के पास कोई सबूत है तो उसे प्रदर्शित करे, अन्यथा क्षमा मांगे। ऐसा नहीं करने पर 15 दिनों के बाद मैं कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा। सीएम नीतीश को संयोजक बनाए जाने के सवाल पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। इन दिनों बिहार के राजनीतिक गलियारों में लगातार ऐसी खबरें चल रही हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जा सकता है। वहीं जब इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मीडिया के द्वारा सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपनी टिप्पणी दी। उन्होंने कहा कि यह सवाल कि इंडिया गठबंधन का संयोजक कौन होगा, कौन बनेगा करोड़पति जैसा है। उन्होंने कहा कि अगले 10 से 15 दिनों में जब हम बैठक करेंगे तो इस पर निर्णय लिया जाएगा, इसकी चिंता मत करो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा वर्ष 2020 में एनडीए के साथ मिलकर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा गया था। हालांकि बाद में उन्होंने एनडीए को छोड़ दिया और महागठबंधन में शामिल हो गए और बिहार में नई सरकार बनाई। वहीं अब नीतीश कुमार 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में सभी विपक्षी दलों को एक साथ कर बीजेपी के खिलाफ आने का आह्वान किया है। 10 से 12 लोकसभा लड़ने की तैयारी में हम पार्टी। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की ओर से अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी गई है। इसी कड़ी में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा भी अपनी तैयारी में जुट गई है और बिहार की 10 से 12 लोकसभा सीटों पर अपना दावा ठोक दिया है। बता दें कि इस बात की जानकारी HAM के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन के द्वारा पटना के एम स्टैंड रोड स्थित पार्टी कार्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए दी गई है। उन्होंने कहा कि इसके लिए हर एक जिले में पंचायत स्तर पर पार्टी को मजबूत किया जा रहा है। बिहार की 10 से 12 लोकसभा सीटों पर पार्टी मजबूत तैयारी कर रही है। हालांकि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा यह अभी तय नहीं हुआ है। जानिए भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 सीरीज का पूरा कार्यक्रम।
भारतीय टीम के द्वारा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलकर मैच को ड्रॉ कर खत्म किया। वहीं अब भारत का अगला मुकाबला अफगानिस्तान के साथ होने वाला है। बता दें कि भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 सीरीज की शुरुआत 11 जनवरी 2024 से होने वाली है, जिसका पहला मुकाबला 11 जनवरी को मोहाली के PCA स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं इन दोनों टीमों के बीच इस T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 14 जनवरी को इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा और फिर इसी सीरीज का तीसरा मुकाबला 17 जनवरी को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। अगर इन मैचों के शुरू होने के समय की बात करें तो बता दें कि T20 सीरीज के सभी मुकाबले भारतीय समय के अनुसार 7 बजे से खेले जाएंगे, जिसे आप स्पोर्ट्स 18 और लाइव स्ट्रीमिंग जियो सिनेमा ऐप पर देख सकते हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। भारत की जनता ने 1980 में एक बार फिर से देश की बागडोर इंदिरा गांधी के हाथों में सौंप दी। आईटी कंपनी सत्यम के चेयरमैन रामालिंगम राजू ने 2009 में अपने पद से इस्तीफा दिया। भारत के जाने माने शतरंज खिलाड़ी कृष्णन शशि किरण का 1981 में जन्म हुआ। भारतीय लेखक शोभा डे का 1947 में जन्म हुआ। हिंदी फिल्मों के हास्य अभिनेता जॉनी लिवर का 1950 में जन्म हुआ। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बाल श्रम विरोधी भारतीय कार्यकर्ता शांता सिन्हा का 1950 में जन्म हुआ। हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री रीना रॉय का 1957 में जन्म हुआ। भारतीय अभिनेत्री सुप्रिया पाठक का 1961 में जन्म हुआ। हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री बिपाशा बसु का 1979 में जन्म हुआ। 1966 में हिंदी फिल्मों के एक महान फिल्म निर्देशक बीमल राय की मृत्यु हुई। वायरल में आज हम बात करेंगे मुफ्त लैपटॉप के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। आज हम बात करेंगे मुफ्त लैपटॉप के बारे में। दरअसल PIB ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि सोशल मीडिया पर एक लिंक के साथ एक संदेश प्रसारित हो रहा है, जिसमें युवाओं को मुफ्त लैपटॉप देने का दावा किया जा रहा है और इसे बुक करने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करने के लिए व्यक्तिगत विवरण मांगा जा रहा है। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि परिचालित लिंक और संदेश फर्जी है, व्यक्तिगत जानकारी साझा करते समय सावधान रहें। WhatsApp ने इन यूजर्स को दिया नया फीचर। सोशल मीडिया के दिग्गज कंपनी WhatsApp नए फीचर्स पर काम करना जारी रखती है। पहले नए फीचर्स बीटा टेस्टर्स के लिए जारी किए जाते हैं, फिर इन्हें आम लोगों के लिए लाइव किया जाता है। इसी बीच कंपनी ने iOS बीटा टेस्टर्स को एक नया थीम फीचर दिया है, जिसकी मदद से यूजर्स ऐप का मेन कलर बदल सकते हैं। अपीयरेंस सेक्शन के अंदर iOS यूजर्स को ये फीचर मिलेगा। कंपनी ने 5 अलग अलग कलर ऑप्शन दिए हैं, जिसमें ग्रीन, ब्लू, व्हाइट, पिंक और वायलेट शामिल है। इनमें से आप कोई भी एक कलर ऐप के मेन कलर के रूप में चुन सकते हैं। इससे आपका WhatsApp एक नए लुक में आपको नजर आएगा। इस अपडेट की जानकारी WhatsApp के डेवलपमेंट पर नजर बनाए रखने वाली वेबसाइट WA Beta Info के द्वारा दी गई है। फिलहाल iOS 24.1.10.70 बीटा वर्जन में ये अपडेट देखा गया है। वेबसाइट के अनुसार नया फीचर यूजर्स को अपनी पर्सनैलिटी के अनुसार ऐप के कलर को सेट करने का ऑप्शन देता है, जो यूजर एक्सपीरियंस को भी बदलेगा। UPI पेमेंट करने पर चुकाना पड़ सकता है फीस। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो हर छोटे बड़े काम के लिए UPI का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि UPI का ऑपरेशन और रेगुलेशन करने वाली संस्थान NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा देश में UPI पेमेंट करने पर फीस देने को लेकर प्लानिंग की जा रही है। बता दें इस बारे में कंपनी के CEO दिलीप असवे के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि भविष्य में बड़े व्यापारियों को अगले 3 साल में UPI आधारित भुगतान करने के लिए उचित राशि चुकानी पड़ सकती है। हालांकि शुल्क का असर छोटे व्यापारियों पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये केवल बड़े कारोबारियों के लिए होगा। उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि यह कब लागू होगा, लेकिन इसमें 2 से 3 साल लग सकते हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे, जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दारोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस तिथि को पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए 2 जनवरी 2024, ऑप्शन बी 4 जनवरी 2024, ऑप्शन सी 5 जनवरी 2024, ऑप्शन डी 6 जनवरी 2024। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 5 जनवरी 2024। अगला सवाल, हाल ही में कोची लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी अश्विनी वैष्णव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला सवाल, हाल ही में कौन सा देश दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी भारत।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत। अगला सवाल, बिहार में किस शासक के समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? ऑप्शन ए कर्नाट शासक, ऑप्शन बी गुप्त शासक, ऑप्शन सी पाल शासक, ऑप्शन डी हर्यक शासक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कर्नाट शासक। अगला सवाल, कर्नाट शासकों में कौन महान समाज सुधारक था? ऑप्शन ए नरसिंह देव, ऑप्शन बी राम सिंह देव, ऑप्शन सी हर सिंह देव, ऑप्शन डी कृति सिंह देव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हर सिंह देव। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, उमेश सिद्धदेव, राम नवी मांझी, मोहम्मद इरफान, रवि कुमार राम, नुन्नु गोलू कुमार, गुनर शर्मा, सदुल्लाह पलवी, मंटू कुमार, राजीव कुमार, अंजुम खातून, प्रहलाद कुमार, रंतोष कुमार, राजकिशोर महतो, शानू कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार यूपीआई ने लोगों के जीवन को कितना सरल बना दिया है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।